इधर इनके गोडों पे इनके पता नहीं किधर किधर जख्म हो गया। कुछ भाई तो ऐसे थे कि उनकी गांड फट गई के ऊपर चलते चलते। तो मेरे भाई आखिर में मैं यही कहता हूँ, डंकी लगाओ, डंकी जरूर लाइए, डंकी जरूर ला। यूरोप में बड़ा मजा है, यकीन करो भाई, डंकी लानी जरूर लानी। चलो अगला हिस्सा जरा ऑन, फिर मैं जो थरमाना होया सी तुर्की वास्ते फिर बना के तुम दसांगा, डोंट वरी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। सो मैंने ये वीडियो बनाने नहीं थी, लेकिन ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि डंकी की वीडियो बनाएं, डंकी कैसे लगती है, डंकी के कितने पैसे लगते हैं और कितनी देर में बंदा पाकिस्तान से टर्की में पहुँच जाता है और डंकी में क्या कुछ होता है। ये वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा डंकी में क्या क्या कुछ नहीं होता, और आपने कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है कि क्या वाकई में डंकी लगानी चाहिए या नहीं, या विदाउट पासपोर्ट के या किसी वीज़े के बगैर किसी भी कंट्री में जाना सही है या गलत। देखो यार, किसी भी बंदे का दिल नहीं करता डंकी लगाने को वीज़े के बगैर किसी कंट्री में जाने के लिए। हर बंदे की एक अपनी मजबूरी होती है, इस वजह से बंदे डंकी लगाते हैं, पैसे कम होते हैं या उनका वीज़ा नहीं लगता। सो डंकी स्टार्ट होती है लाहौर से, लाहौर से बस में बैठते हैं, बैठने के बाद वो पहुँच जाते हैं क्वेटा, ठीक है। क्वेटा पहुँचने के बाद उनको उठा लेता है एजेंट, ले जाता है एक होटल में, होटल में लेकर जाने के बाद वो उनको ले जाते हैं तफ्तान बॉर्डर पे। यहाँ से होती है डंकी स्टार्ट। तो क्वेटा से तफ्तान अगर लगातार बस में बंदा सफ़र करे तो 8 घंटे में तफ्तान बॉर्डर पर बंदा पहुँच जाता है। अब तफ्तान बॉर्डर पर पहुँचने के बाद आप उन्होंने मेन गेट से तो आपको एंटर करवाना नहीं, अब वो एंटर कैसे करवाएंगे वो आप ये वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा कि बंदे कैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं। अब ये जो बंदे आप देख रहे हैं ये चल रहे हैं, इन्होंने चलना है तकरीबन एक या डेढ़ दिन, पूरा एक या डेढ़ दिन, एक पूरी रात इन्होंने इसमें पहाड़ों में रहना है और सुबह के दिन शाम को 4 बजे इन्होंने ईरान में एंटर हो जाना है। यानी कि पूरी रात और पूरा दिन इन्होंने चलते ही रहना है पहाड़ियों में, ठीक है। उसके बाद इनको आगे गाड़ी लेने आएंगे। अब जैसे वो ईरान में एंटर हो जाएंगे, एंटर होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गाड़ी आ रही है, उन गाड़ियों ने इनको उठाना है, इन गाड़ी में बिठाना है और उन्होंने यहाँ से ये आप देखें ना ही तो कोई रास्ता है ना ही गाड़ी का इतना ज़्यादा रास्ता है, पहाड़ी है और पहाड़ी के ऊपर से इन्होंने गाड़ी लेकर आनी है। ये देखें कुछ गाड़ियाँ तो बंदों को बिठा कर ले आती हैं और कुछ जो डर जाते हैं वो गाड़ी से उतर जाते हैं कि हम पैदल ही पहाड़ी क्रॉस कर लेंगे, आप गाड़ी आकर ले आओ। लेकिन यहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी करते हैं, वो देखते नहीं हैं कुछ भी, हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी होती है। और कि आप देख सकते हैं ख़तरनाक ही है, कौन सा कोई आसान काम है डंकी लगाना, तो डंकी लगाना कोई इतना आसान काम नहीं है। लो भी मेरे वीरो भरावो, ए बेली सारे बैठे जी डिंकी लाने वाले, इन्हों को ना ही पानी जो पीण नूं भरावो, ना ही खाण नूं कुछ है जी। ते ए वेखो ए यतीमा गण इत्थे पए ने 5-star होटल च, ते हर पासे वेखो जनाब मेरे भाई लंबे पए ने, ते इन्हां कोलों पुछ लो कि डिंकी लाण दा किन्ना स्वाद आउंदा है। इतने मेरे भरावो वह पानी जरा जे वह यकीन करो मुकदा ही नहीं जे, तो आ जो पहाड़ ने ना पहाड़ इन्होंने लगे ने एसी, तो करो यह पानी एडा जबरदस्त पानी हाथ पै सड़ता रंग है पानी का, पानी पानी है देखो जिन्हें खोते पींदे ने ना वो वाला साहब पानी ए सेठ बदर है तनु तोड़े सामने पानी पी के बहाया था पी है नहीं भाई मैं ये पानी नहीं पी सकता क्यों तुम्हारा गांड पटा है गांड पटा हो या ना पटा ते जनाब मेरी आज आज पंजवा दिन हो गया सानू ते असी ना इत्थे एंजॉय कर रहे हैं ईरान च ईरान दे पहाड़ ने बुंड पहाड़ गर्मी इन्हां दी ए वेख लो वड्डे भाई ने मेरे ते जेड़े लोग जेड़े ने कनालियां च खाण हिले सन अज उन्हां नूं पोटे चटणे भाई औखे पैंदे पै जे, ते मैं तां सारयां नूं इही आहना वा कि डिंकी जरूर लाइयो, सानूं जिन्ना स्वाद आउंदा पिया तुहानूं वी आवेगा। ते क्यों भाई साहब डिंकी लानी चाहीदी है, की ख्याल है तुहाडा? हां जी ए भाई दा, हां जी भाई साहब की ख्याल है डिंकी दा किन्ना मजा है? अपना मिशन इको ही है,
तोने पा दो कुछ रवे ना रवे गल रहनी चाहिए है। यह वेखो फाइव स्टार होटल दे विच इंज चाचे री लम्मे पै ने पाई अरी कि छड गल दियो ये भी जनाने जा रहे ने इटली च। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੋਰੀਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਹਿ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਲੀਰਾ ਲੀਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਗਏ ਨੇ ਭਰਾਵੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਹਨਾ ਪਿਆ ਬਸ ਡਿੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਬੰਦੂਕ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਹਾਂ ਸੇਠ ਛਾਨਿਆ ਦੱਸ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿੰਗੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜ਼ਰਾ ਲਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾਵੋ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲੇ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਯੂਰਪ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਕੋਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਚੱਲਣਾ ਜਨਾਬ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੀ ਡੈਬਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਭਾਈਆ ਮੈਂ ਨਾਲ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਯੂਰਪ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਰਾਹ ਫੱਦਿਆ ਕੁਏਟੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕਸਮੱਲਾ ਦੀ ਇੰਜ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਏਟੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਈਆ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਿੰਕੀ ਲਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਘਰੋਂ ਡਿੰਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਕੁਏਟੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕਮਾਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਯਕਮਾਚੇ ਚ ਆਏ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਵਾ ਯਕਮਾਚੇ ਚ ਆਏ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਠਾਣਾ ਲੱਦਿਆ ਡਾਲੇ ਤੇ ਪੂਰੇ 13 ਘੰਟੇ ਡਾਲੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਥੀੜੀ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਮਕਾਨ ਮੁਝਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਇੰਨਾ ਕੱਟਾ ਇੰਨਾ ਕੱਟਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੱਟੀਓ ਕੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਹਲੇ ਵੀ ਹੋਂਟ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਭਾਈਓ 17 ਘੰਟੇ ਕੱਲ੍ਹ ਟੁਰੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ 17 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਇਨ ਦਾ ਵੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਥਕਾਵਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਘੰਟੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਹ ਦੇ ਉੱਠੇ ਜੇ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਭਾਈਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੇ ਇਹ ਖਜੂਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਯਤੀਮਾ ਕਨਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਵੇ ਮੋਜੇ ਨਾਲ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭਈਆ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਸੀ 35,000 ਰੁਪਈਆ ਫੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ ਲੁੱਲ ਵੀ ਪੁੱਛੂ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੀਰੇ ਕਿਰਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸੋਰੀ ਤੁੰਮਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਈ ਆਪ 50,000 ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਕਾ ਬੋਤਲ ਦੇਗਾ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਕਾ ਬੋਤਲ ਦੀਆ ਪਾਣੀ ਕਾ ਪੀਆ ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾ ਥਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਡੰਕਰ ਡੰਕੀ ਲਗਾਉਣੇ ਕੇ ਲਿਏ ਲਜਾਤਾ ਥਾ ਵੋ ਬੋਲਤਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਬਾਈ ਪੈਸਾ ਵਰਨਾ ਇਧਰ ਸੇਹ ਮੇ ਰਹੇਗਾ ਤੁਝਕੋ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਭਾਈਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਾਫ ਆ ਜਾਓ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਡੰਕੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲਾਈਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਓ ਯਾਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਹਾਰਡ ਵਰਲਡ ਵਿਊ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਭਾਈਓ ਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਡੰਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪ ਯੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਡੰਕਰ ਉਹ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿੰਗੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਹਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਕੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਡਿੰਗੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਸਕੋ ਬੋਲੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੋੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਬ 50,000 ਫਿੱਟ ਬੁਲੰਦੀ ਪੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਪੜਤਾ ਨਾ ਪੈਦਲ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਕਸਮ ਸੇ ਯੇ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਰਾਤ ਕੋ ਚਲਤੇ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਇਨਕੇ ਹਾਂ ਦੇਖੇ ਯੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਖਮ ਇਨਕੇ ਇਧਰ ਇਨਕੇ ਗੋਡੋਂ ਪੇ ਇਨਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰ ਕਿਧਰ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਬਾਈ ਤੋ ਐਸੇ ਥੇ ਕਿ ਉਨਕੀ ਗਾਂਢ ਫਟ ਗਈ ਹੈ ਉੱਪਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਤੋ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਆਖਰ ਮੈਂ ਯਹੀ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਡੰਕੀ ਲਗਾਓ ਡੰਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਓ ਡੰਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਈ ਡੰਕੀ ਲਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਡੋਂਟ ਵਰੀ।
अल्लाह। अब ये बंदा बोल तो रहा है कि यूरोप में बहुत ज़्यादा मज़ा है ना। वाकई में यूरोप में बहुत ज़्यादा मज़ा है, लेकिन जो मज़ा अपने पाकिस्तान में अपने कंट्री में है वो वाकई किसी कंट्री में नहीं है। अपने पाकिस्तान जैसा कोई कंट्री नहीं है। डंकी ना लगाओ, वीज़े पर आओ, मोस्ट वेलकम है। अब देखें, इन बंदों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। जब ये बंदे ईरान में पहुंच जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी है और एक गाड़ी में कितने ज़्यादा बंदे हैं। अभी ये डिक्की भी ओपन करके दिखाएगा, इन बंदों को बाहर भी निकालेगा, आपको पता चल जाएगा। अभी इन्होंने गाड़ी चारों पासों से लॉक की हुई है, सब इसके जो दरवाजे हैं ना गाड़ी के लॉक कर दिए हैं और ड्राइवर भाग गए। अब ये आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा बंदे हैं एक गाड़ी में। एक छोटी सी कार है और जब पुलिस पीछे लगती है, यकीन करो ये जो ईरानी होते हैं इतनी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, ये गाड़ी को रोकते नहीं। और डिक्की में चार चार पाँच पाँच बंदे इन्होंने डिक्की में डाले होते हैं, बिल्कुल आपके सामने है, कोई जोर नहीं है, ठीक है ना। अभी ये पुलिस वाला इन बाहर निकालेगा की तलाशी लेगा, चेकिंग बाद वो स्टेशन में ले जाएंगे उसको, वहाँ पर जाएंगे कर देंगे। खैर आप वीडियो देखो आगे क्या होता गया। Kasi diganis. है तकरीबन तीन चार घंटे का रास्ता है। यहाँ पानी का बहुत मसला होता है, इंसान मर सकता है। खाने का मसला होता है, खाना नहीं मिलता है, और नींद का मसला होता है। अगर मैं आपको कहूँ कि जो हम आए थे, तकरीबन आज हमारा 10वां दिन है और हम तुर्की में एंटर हुए, और 10 दिन में हमने नींद नहीं किया है, ना रात में ना दिन में, और ना खाना खाया है। बस एक दिन खाना खाया था, बाकी बस इसी तरह कभी क्या खाया कभी क्या खाया, और कुछ नहीं है। ये तुर्की के पहाड़ है, अभी भी बर्फ़ है, और हमारे पाकिस्तान पेशावर में जो है इस वक्त सख्त गर्मी है। ये देखो बर्फ़ पड़े हुए है, ये दुनिया आ रही है पीछे आगे, बहुत से लोग है, छोटे बच्चे भी है इसमें, औरतें भी है, लड़के भी है, लड़कियाँ भी है। ओ, उस पहाड़ पे भी कुछ औरत जा रहे हैं। हाँ, अल्लाह खैर करे। चलो बस कोशिश करें कि कोई भी इस रास्ते पे आता है तो उनको बचा ले, और हमारा मैसेज है सबको कि इस रास्ते पे ना आए, प्लीज़ प्लीज़। अगर अपनी ज़िंदगी प्यारी हो किसी को, अल्लाह हाफिज़। खैर अब आप समझ गए होंगे कि डंकी किस चीज़ का नाम है। जो बंदे बेचारे पकड़े जाते हैं उनको वापस पाकिस्तान में भेज दिया जाता है, जो ईरानी पकड़ते हैं वो भी पाकिस्तान भेज जाते हैं, और जो टर्की वाले पकड़ते हैं वो उनको कैंप में ले जाते हैं सजा के तौर पर। सो ये सारा प्रोसेस है डंकी का तुर्की पहुँचने का। तो बाकी मेरा मशवरा यही है कि अगर आना है तो वीज़े पर आओ, अगर नहीं आना तो बेशक ना आओ, लेकिन आना है तो मेरे भाई लीगल आओ, वीज़े पर आओ, डंकी ना लगाओ। बाकी आपकी मर्ज़ी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, कुछ भी पूछना शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर वीडियो।